अस्सलाम वालेकुम गाइस उम्मीद करती हूँ आप सी ठीक होंगे मतलब आप इधर से मैं भी ठीक हुआ आज हम पाए थे हमने कहा थोड़ी रोटी ज़्यादा खा ली हॉस्टल की तो हम जा कर वॉक करते हैं तो हम आ गए इधर क्या कहते हैं इधर हमारे जो है ना जी जिस जगह हॉस्टल है ना उसके थोड़ा सी डिस्टेंस पे ना यहाँ पे पार्क है तो हम यहाँ पे आ गए थोड़ी देर थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं वॉक करते करते हम थक गए फिर बैठ गए यहाँ भी आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे झूले झूले ले रहे हैं तो हमने थोड़ी देर बैठ के इधर थोड़ी देर वॉक फिर बैठ के इसके बाद फिर देखते रहिए जो तो बच्चे फैमिलीज के साथ आए हुए हैं झूले शूल्हे ले रहे हैं तो सीए ऐसे समझे कि फैमिली पार्क है जहाँ पे ये सारे जॉबियन लोग रहते हैं और यहाँ पे उनके बच्चे वगैरह ये उनके लिए पार्क बना हुआ है तो हमने कहा हम भी थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं आके बैठ वॉक शॉक कर लेते हैं तो वो इधर थोड़ी सी देर के लिए मैं जब मैं वॉक कर करके थक भी तो मैं थोड़ा देख है बैठ के थी लेकिन मेरी दोस्त फिर भी वॉक कर रही थी जब वो आ, उसकी वॉक थम हुई वो तो भी थक गई उसने कहा कि अब टाइम काफ़ी हो गया अब चलते हैं फिर हम यहाँ से चल दिए मीन के तो हम हमारे एक गली में हमारी हॉस्टल है दूसरी गली में हमारा ये वॉकिंग डिस्टेंस भी जो है ना ये पार्क है हम में से तो काफ़ी लोग जानते हैं फिर ये बेस्ट भी है कि रात को खाना शाना खाने के बाद तो थोड़ी बहुत वॉक होनी चाहिए इससे इंसान सेहतमंद रहते है एक्टिव रहता है तो फिर हमारी वाप वॉक जब ख़त्म हुई तो फिर हम ये गली से चलती ही आप देख सकते हैं यहाँ से गाड़ियाँ भी गुजरती रहती हैं लेकिन ये जो ना, है ना बहुत अच्छी गली है मेन के यहाँ से सिक्योरिटी वगैरह सारा सेटअप बहुत अच्छा है तो फिर हम यहाँ से चलते चलते आप गली में बच्चे भी मतलब जो इनके घर हैं ना यहाँ पर बच्चे भी इधर खेल रहे होते हैं क्रिकेट वगैरह और ये जो ना, तो है ना फ्लॉर्स वगैरह लगे हुए तो बहुत मज़े मजे एक मैंने कहा शेयर करते जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ला हाफिज़